सो हे गाइस, कैसे हो? तो आज के वीडियो में मैं आपको वन पंच मैन के टोर्नेडो ऑफ टेरर वर्सेस साइकोस के फाइट को एक्सप्लेन करूंगा। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये फाइट की शुरुआत होती है ग्योरो ग्योरो और तात्सुमाकी के फाइट से। बेसिकली तात्सुमाकी मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस को ढूंढ रही थी और तभी उसे ग्योरो ग्योरो मिल जाता है और तात्सुमाकी ग्योरो से डायरेक्टली पूछ लेती है, क्या तुम ही मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस हो? जिस पे ग्योरो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, पर ग्योरो तात्सुमाकी को देख के बड़ा ही खुश हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर आई ये देख के मैं बड़ा ही खुश हुआ और तुम्हारा स्वागत है मेरे बेस में। और ये बोल के बड़े ही कृपी तरीके से हंसने लगता है और फिर से बोलता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था टोर्नेडो ऑफ टेरर द एस्पर प्रोडोजी। और तभी ग्योरो ग्योरो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, मेरा नाम ग्योरो ग्योरो है एंड आई एम द मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द मॉन्स्टर एसोसिएशन एंड मैंने ही मॉन्स्टर एसोसिएशन के ये न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया है। पर इन बातों का तात्सुमाकी पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है और ग्योरो को बोलती है, सो व्हाट, मुझे तुम इतना बताओ कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस हो या नहीं। और ये सुन के ग्योरो ग्योरो तात्सुमाकी पर रॉक्स से अटैक कर देता है और तात्सुमाकी को कैप्चर कर लेता है। और तभी उस बॉल में से लाइट निकलने लगती है और तात्सुमाकी उस बॉल को बड़े ही सेक्सी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और ग्योरो ग्योरो से बोलती है, Is that all you have got? और ये देख के ग्योरो ग्योरो की फटके चार हो जाती है और तभी तात्सुमाकी उन्हीं रॉक से ग्योरो ग्योरो के एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देख के ग्योरो शॉक हो जाता है क्योंकि ग्योरो ने अपने सराउंडिंग में एक बैरियर को बना रखा था जिसे तात्सुमाकी ने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी ग्योरो अपने फुल पावर से तात्सुमाकी पर अपना सुपर ग्रेविटी वेव अटैक करता है जिससे तात्सुमाकी पर इस अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिटरली तात्सुमाकी इस अटैक से अपने शोल्डर का मसाज करा रही थी और ग्योरो ये देख के परेशान हो रहा था क्योंकि उसके अटैक का तात्सुमाकी पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। और तभी तात्सुमाकी अपने एक अटैक से ग्योरो ग्योरो को पिचका देती है जिससे ग्योरो की हालत निचोड़े हुए संतरे जैसी हो जाती है। और तभी ग्योरो बोलता है, मुझसे तुम्हारी पावर को समझने में मिस्टेक हो गई और मुझे मालूम है कि अब मैं मरने वाला हूँ। जिस पे तात्सुमाकी बोलती है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हारी रियल बॉडी देखनी बाकी है। और ये सुन के ग्योरो की फटके चार हो जाती है और अपनी हेल्प करने के लिए ओरोची को बुलाता है, पर ओरोची ग्योरो की आवाज सुनने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और थोड़े देर बाद तात्सुमाकी बोलती है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और ये देख के ग्योरो सोचने लगता है कि ये बड़ी स्ट्रेंज की बात है कि ओरोची मेरी आवाज से यहाँ पर नहीं आया। क्या ओरोची ने मेरे ऑर्डर को डिनाय कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो उसको अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था। और तभी तात्सुमाकी बोलती है, लगता है ओरोची किसी और हीरो के साथ फाइट में एंगेज होगा, तभी उसके पास तुम्हें बचाने के लिए टाइम नहीं है। और तभी ग्योरो तात्सुमाकी को अपने बातों में फंसाने का ट्राई करता है क्योंकि दूसरी तरफ ग्योरो का एक आंख वाला ड्रोन ओरोची को ढूंढ रहा होता है और ओरोची उसे मिल भी जाता है पर मरा हुआ। और ग्योरो ओरोची को मरा हुआ देख घबरा जाता है और ओरोची को किसने मारा है वो ढूंढने के लिए अपने ड्रोन को बोलता है। पर तभी साइतामा उस एक आंख वाले ड्रोन को देख लेता है और उसे एक कीड़ा समझ के मार देता है। और ये देख के ग्योरो बोलता है, ये टकला इंसान कौन है और इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इस पर तात्सुमाकी बोलती है, ये पक्का सुपर अलॉय डार्क साइन होगा, पर तुम अभी अपनी फिक्र करो। और ये सुनते ही ग्योरो अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर तात्सुमाकी ग्योरो से बोलती है, तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर मांगो। पर ग्योरो तभी ग्राउंड में से कई सारे आके निकालता है और तात्सुमाकी पर अटैक कर देता है और बोलता है, एटलीस्ट आई विल मेक यू डाउन विद मी, और ये बोल के हंसने लगता है। पर इस अटैक का फिर से तात्सुमाकी पर कोई असर नहीं होता है और तात्सुमाकी ग्योरो का मजाक बनाते हुए बोलती है, तुम्हें साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करना किसने सिखाया? और ये बोलते ही तात्सुमाकी ग्योरो के मॉन्स्टर बॉडी में से उसकी रियल बॉडी निकालने लगती है। पर तात्सुमाकी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि ग्योरो के बॉडी में से कुछ अजीब सा चीज देखने को मिलेगा, पर उसे एक नॉर्मल बॉडी के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि साइकोस आराम से बैठ कर ये सब कुछ देख रही होती है। और अगर आपको ये नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि साइकोस ही है जो कि ग्योरो की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। और तभी तात्सुमाकी को साइकोस की अपीयरेंस फील होती है और तात्सुमाकी बोलती है, अच्छा तुम इधर छुप के बैठी हो। और साइकोस को भी ये पता चल जाता है कि तात्सुमाकी ने उसे ढूंढ लिया है, पर ये
ये देख के साइकोस को बिलीव नहीं होता है, क्योंकि साइकोस 1500 मीटर अंडरग्राउंड छुपके बैठी थी और कोई उसे ढूंढ ना पाए, इसलिए उसने कई सारे रिले पॉइंट लगाए थे जिससे उसकी टेलीपैथिक वेव छुप जाए। पर फिर भी तासुमाकी ने मुझे ढूंढ निकाला और तभी तासुमाकी बोलती है, मेरे से छुपना बंद करो और बाहर आकर फाइट करो। और ये बोल के अपने पावर से साइकोस को अपने पास खींचने लगती है और इसकी ये पावर देख के साइकोस पैनिक हो जाती है और इससे कैसे बचा जाए ये सोचने लगती है। और तभी साइकोस को रोवर याद आता है और साइकोस रोवर को फ्रीली मूव करने की परमिशन दे देती है और अपने पास इमीडिएटली आने को बोलती है। पर रोवर साइकोस के बुलाने पर भी नहीं आता है तो साइकोस अपने पास रखे हुए एक बॉटल में से पावर बूस्टर या फिर आप इसे एनर्जी बूस्टर भी बुला सकते हो वो पी लेती है। और ये पीने के बाद साइकोस की पावर अचानक से बढ़ जाती है और साइकोस की पावर बढ़ते हुए देख तासुमाकी जल्दी से साइकोस को अपने पास खींचने लगती है। पर तभी साइकोस भी अपने फुल पावर से तासुमाकी को अपने पास खींच लेती है और ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। और ये दोनों की टकराने से एक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होती है जिसे देख के आसपास के सभी मॉन्स्टर्स की फट जाती है। और तभी साइकोस बड़े गुस्से से बोलती है, आज के दिन तुम मुझसे हारोगी एंड इट्स योर फॉल्ट फॉर पुशिंग मी दिस फार। और इस पे तासुमाकी बोलती है, इज दैट सो, पर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि वो लड़का कहाँ है। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि किंग को वो लड़का मिल चुका है। और फिर हमें ओरिची देखने को मिलता है, मतलब ओरिची के दिल का एक एलिमेंट देखने को मिलता है। और बाय द वे ओरिची के ऐसे हाल के पीछे साइतामा का हाथ है, वो कैसे, उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है जिस पे मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर आपको साइतामा वर्सेस ओरुची की फाइट की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब ओरुची पे वापस आते हैं, जो कि अपने आप को रीजनरेट करने के लिए अपने आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। और तभी ओरुची को पावरफुल फोर्स फील होती है और ये पावरफुल फोर्स और किसी की नहीं, तासुमाकी और साइकोस की थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं इसके आगे की स्टोरी पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगा जो कि 2 से 3 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए पीस आउट।